हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस सेशन में वी वुड लर्न अबाउट सम कूल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सीक्वल। सो बेसिकली हम लोग पहले इसका मतलब समझेंगे सीक्वल का, फिर हम इसके एडवांटेजेस जानेंगे, और एडवांटेजेस के बाद हम क्या समझेंगे, हम कुछ कूल टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे जिससे हम सीक्वल को मास्टर कर सकेंगे। सो गाइज, आई नो आप लोग सुपर एक्साइटेड हैं, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है व्हाट इज सीक्वल, राइट? सो बेसिकली सीक्वल का क्या मतलब होता है, सीक्वल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली आप सीक्वल को यूज़ करके आपका जो डेटाबेस में डेटा पड़ा है आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो बेसिकली सीक्वल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप जो डेटा आपके डेटाबेसेस में स्टोर्ड है आप उसे मैनिपुलेट कर पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे, दैट इज़ द सिंपल यूज ऑफ सीक्वल। बट अब हमें ये सीखना क्यों चाहिए, चलिए वो समझते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं, आपकी क्वेरी इजीली प्रोसेस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको डेटा चाहिए, कुछ नाम है और कुछ नंबर्स हैं, आपको फॉर एग्जांपल उसमें आपका एक फ्रेंड है उसका नंबर चाहिए, तो आप बहुत इजीली अपनी क्वेरी को एक लाइन के कमांड में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नो कोडिंग स्किल्स, इसमें ज़्यादा कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्वेरीज लिखनी आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है। थर्ड, बेसिकली फोर्थ, पोर्टेबल लैंग्वेज है, इंटरैक्टिव लैंग्वेज है, यू नो यू इंटरैक्ट विद द डेटाबेसेस डेटा को एक्सेस करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ सीक्वल। सो आई होप आपको अब पता चला होगा कि व्हाट इज सीक्वल और हमें वो क्यों करना चाहिए, बट कैसे करें चलिए वो जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स, क्योंकि देखिए डेटाबेस में बहुत सारे यू नो कॉलम्स हो सकते हैं एक ही डेटाबेस में, तो डिस्क्रिप्टिव नेम्स यूज कीजिए ताकि ये ईजी रहे आपके लिए उसे समझना और बाद में उसको एक्सेस और मैनिपुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं यूजर एज, अगर आपको यूजर की एज चाहिए तो सिर्फ एज मत लिखिए, आप यूजर भी आगे डालिए। मे बी आप बाद में किसी और की भी एज डाल रहे हो, मे बी आप एम्प्लॉय की एज भी डाल रहे हो, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा यूजर एज, डिस्क्रिप्टिव नाम, ताकि आप इजिली क्वेरीज को रन कर सके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें जनरली नहीं आइडिया होता इसका, तो वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम, ठीक है चलिए ऐसे चलते हैं, फ्रॉम इज फर्स्ट, वेयर इज सेकेंड, ग्रुप बाय इज थर्ड, Having is fourth. Basically ये commands हैं जिस order में आपको इनको execute करना चाहिए। Having, fifth is select, sixth is order by और seventh है limit. So basically इसी order में आपको अपनी commands को execute करना चाहिए, इसी order में उनको लिखना चाहिए। So this is very important. So first is from, second is where, third is group by, fourth is having, fifth is select, sixth is order by, seventh is limit. So I hope आपको अब ये clear होगा। Now let's move forward. Use upper case and lower case. Again ये helpful रहेगा आपके लिए अपने database को access करने के लिए। Avoid over normalization. Normalization कीजिए but ज़्यादा मत कीजिए। Normalization के बहुत सारे forms हैं, जैसे 0NF, 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, 5NF. ओवर नॉर्मलाइजेशन मत कीजिए, इट वुड गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, सो अवॉइड कीजिए उसे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अपने टेबल को लंबा बनाइए, मतलब उसमें ज़्यादा डेटा ऐड कीजिए, ना कि ज़्यादा कैटेगरीज, क्योंकि उससे जितनी कैटेगरीज आप ऐड करेंगे ना उतना डेटा आपका कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, डेटाबेस कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सो व्हाट डू यू नीड टू डू, टॉल, मतलब ज़्यादा डेटा ऐड कीजिए, कम कैटेगरीज ऐड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट विथ कीज यूज़ कीजिए, प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, ये सारी कीज़ को यूज़ कीजिए बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेटा कंसिस्टेंट रखिए, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरी लैंग्वेज डेटा के अराउंड रिवॉल्व करती है, सो यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर डेटा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मास्टर ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के जो कमांड्स हैं उनको मास्टर कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Now let's move forward. Store date times correctly. जब आप data enter कर रहे हैं तो उसके according जो date और time है उसे correctly store कीजिए, क्योंकि आपको जब future में आप queries को you know run करेंगे, execute करेंगे, तो काफ़ी helpful रहेगा। So this is quite important. इस point पर focus कीजिए। Now let's move forward.
सो गाइज आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा, वे वी गॉट टू नो अबाउट सीक्वल, हमने उसके एडवांटेजेस जाने और फिर हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे जिससे हम सीक्वल को मास्टर कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। अगर आपको आज के सेशन में मज़ा आया है तो मेक श्योर आप लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर जॉइनिंग मी टुडे। थैंक यू।